नॉर्मली हमारे पास में क्वेरीज आती हैं वेयर पीपल आस्क अस कि यार होटल के रेट्स दे दो डेकोर uh, का खर्चा कितना आ जाएगा हाय गाइस वेलकम टू दिस फर्स्ट व्लॉग ऑफ 2021 इस व्लॉग के जरिए आई एम गोना डिस्कस some very essential uh, reasonings फॉर वेडिंग एंड इवेंट्स मैनेजमेंट इस सेगमेंट का नाम आपने जैसे टाइटल में पढ़ लिया होगा वुड बी योर इंटायर चेकलिस्ट मैं सभी एस्पेक्ट्स को बहुत क्लोजली मॉनिटर करूंगा और सभी एस्पेक्ट्स को बहुत क्लोजली आपके साथ में डिस्कस करूंगा सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फर्स्ट एस्पेक्ट इज योअर डेट्स वेडिंग डेट सो वेडिंग डेट फाइनलाइज करने के uh, करना बहुत जरूरी होता है नॉर्मली हमारे पास में क्वेरीज आती हैं वेयर पीपल आस्क होटल के रेट्स दे दो डेकोर का खर्चा कितना आ जाएगा इन सब क्वेश्चन से एक चीज कनेक्टेड है दैट इज द वेडिंग डेट जैसे लास्ट ईयर के अंदर अगर आपने देखा हो 2020 के अंदर देवर सर्टन डेट्स बहुत ही लिमिटेड साया डेट्स होती हैं जहाँ पे अ... आपको चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव मिलती हैं चाहे वो बैंड वाला हो चाहे डेकोर हो चाहे आपके मेहंदी आर्टिस्ट हो, चाहे आपके अपने डिजाइनर्स uh, का काम हो चाहे आपके हनीमून ट्रैवल हो ऑल दीज थिंग्स आर गोइंग टू बी एक्सपेंसिव द होटल पार्ट इज सुपर एक्सपेंसिव सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल इन टर्म्स ऑफ वॉट डेट्स यू आर चूजिंग वन ऑफ़ द मेजर पॉइंट्स जो लोग आजकल देखते हैं विच इज कि अगर आपकी वेडिंग डेट्स आ रही हैं लेट्स से फोरटीन ऑफ फेबर और सिक्सटीन ऑफ फेबर या फिर योर लुकिंग एट डेट्स लाइक ट्वेल्थ ऑफ डिसम्बर ये डेट्स हमेशा एक्सपेंसिव रहेंगी ट्वेंटी नाइन्थ ऑफ नवम्बर थर्टियथ ऑफ नवम्बर हमेशा इन डेट्स के ऊपर रश रहता है सो so, uh, लुकिंग एट द बेस्ट पार्ट इज इफ यू आर ऑन अ वेरी टाइट शेड्यूल इफ यू ऑन अ वेरी टाइट बजट प्लीज ध्यान रखिए आपका आप बजट बहुत मैटर करता है सो so अगर आप एक बजट लेके चल रहे हैं एंड आई एम श्योर इवन द मोस्ट फैंसी वेडिंग्स हैवर्टन बजट इन माइंड सो अगर आप एक बजट लेके चल रहे हैं सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपका बजट बहुत ज़्यादा मैटर करेगा कुछ पॉइंट्स के साथ में सो वन ऑफ द मेजर पॉइंट इज एन ऑफ सीजन वेडिंग अगर आप ऑफ सीजन वेडिंग के लिए चाहते हैं तो ऑटोमेटिकली यू एंड अप से बजट यू एंड अप से कि आपके होटल्स यू कैन अ गुड डील कैन बी नेगोशिएटेड फ्रॉम द होटल्स केटर्स आप बहुत अवेलेबिलिटी आराम से हो जाती है डेकोरेशन के लिए जो भी आपके वेंडर्स हैं आप उनके साथ में बात कर सकते हैं फोटोग्राफर्स बहुत अच्छे प्राइसिंग आपको मिल सकती है इफ़ द फोटोग्राफर्स फ्री ऑन दैट पर्टिकुलर डेट ऑटोमेटिकली आपका काम भी अच्छा होगा उसी तरीके से आपको चीज़ें uh, देखने को मिलेंगी एंड लॉट ऑफ थिंग्स इसी से related जो भी चीजें हैं वो सारी चीजें आपको अवेलेबल टाइम पे हो जाएंगी। फैमिली इवेंट और फैमिली फंक्शन दैट इज फॉलोइंग ऑन द सेम डेट्स नाउ कई बार ऐसा होता है कि एक ही फैमिली के दो फंक्शंस या दो इवेंट्स सेम डेट पे आ रहे हैं फोर्टीन uh, 20th ऑफ ट्वेंटियेब्री ट्वेल्थ ऑफ डिसम्बर इलेवेंथ ऑफ डिसम्बर ट्वेंटी थर्टियथ नवेंबर वेदर अच्छा होता है हमेशा अच्छे होते हैं फॉर आउटडोर इवेंट इन ऑल सो मोस्टली पीपल थिंक अगर हम ये वाले वेदर के अंदर वेडिंग uh, करते हैं या कोई भी सोशल इवेंट करते हैं ऑटोमेटिकली इट विल बी गुड फॉर अस बट यू नीड टू अंडरस्टैंड आपकी टोटल गैदरिंग जो है दैट मैटर्स आज की डेट में गवर्नमेंट हैज स्टिल आपकी गैदरिंग साइज स्मॉल हो बट कंसिडरिंग द फैक्ट कि आपके दूसरे रिलेटिव्स उस इवेंट तक पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे या फिर आपके रिलेटिव्स डिवाइड हो जाते हैं स्प्लिट हो जाते हैं इन टर्म्स ऑफ कि ओके उनकी भी वेडिंग आज की डेट में उनकी भी वेडिंग आज की डेट में लेट्स चूज कि हम किसकी वेडिंग में जाएंगे सो दट इज अजर कंसर्न दट पीपल नीड टू लुक इट डू द थर्ड पॉइंट इज दट यू नीड टू बी वेरी अवेयर ऑफ की आपके इवेंट के आस पास कोई मेजर पब्लिक इवेंट ना हो रहा हो या फिर कोई बहुत ही बड़ी uh, बहुत ही बड़ा इवेंट ना हो रहा जैसे आई रिमेंबर जब अंबानी वेडिंग हुई तो उदयपुर के मेजोरिटी होटल्स वो बुक सर्विस uh, प्रोवाइडर्स भी पुक थे uh, इसी तरीके से दिल्ली एनसीआर के अंदर कोई और इवेंट हो रहा होता है जहाँ पे मोस्ट ऑफ द होटल्स आर पुकड देर आर फार्मास्यूटिकल कॉन्फ्रेंसेस जिन डेट्स पे नवम्बर uh, एंड के आसपास होती हैं जनरली मेडिकल कॉन्फ्रेंसेस एंड फार्मास्यूटिकल कॉन्फ्रेंसेस उस स्टेट पर पूरी सिटी सोल्ड आउट होती हैं सो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क टू फर्स्टली फाइंड अ होटल सेकेंडली रूम्स आपको नहीं अवेलेबल सो होटल फॉर द इवेंट पार्ट सेकेंड इज आपको रूम्स अवेलेबल नहीं हो पाते थर्ड पॉइंट कि आपको सारे वेंडर्स सुपर एक्सपेंसिव रेट्स चार्ज करते हैं सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल इन टर्म्स ऑफ नोइंग आप प्लीज सर्च कीजिए कौन सी डेट्स वाइबल हैं कौन सी डेट्स uh, पे ट्रैफिक कम रहेगा या ट्रैफिक वो रहेगा ट्रैफिक अरेंज हो सकता है या कौन से पब्लिक इवेंट्स हैं जो इसके आसपास रहते हैं सो यू कैन ऑलवेज सेव अपॉन थिंग्स सो ऑल दीज फैक्टर्स यू नीड टू लुक इन टू द डेट्स फर्स्ट सो कंसिडरिंग ऑल दीज थिंग्स इस बार हमने बात करी वेडिंग डेट्स के ऊपर नेक्स्ट हम बात करेंगे वेडिंग बजट के ऊपर सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट हाउ दीज थिंग्स आर गोइंग टू मूव अगर आप चाहें तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ऑफ ऑल द इंफॉर्मेशन दैट आई हैव शेयर आप मेरे ब्लॉग पे जा सकते हैं यू कैन डाउनलोड द इंफॉर्मेशन फ्रॉम देयर एंड उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ एंड यू कैन ऑल्सो चेक ऑन माई इंस्टाग्राम पेज सो आई विल बी पुटिंग माई इंस्टाग्राम लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड आप वहाँ से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं ऑल दिस इन्फॉर्मेशन इज़ गोइंग टू बी ऑन माई इंस्टाग्राम इन फॉर्मैट ऑफ पोस्ट सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल इन टर्म्स ऑफ कि आप किस तरीके से डेट्स चूज कर रहे हैं फॉर योर वेडिंग मैं कोशिश करूँगा और कोई uh, और भी चीज़ें आप लोगों के लिए ले के आने के लिए फॉर वेडिंग रिलेटेड या इवेंट रिलेटेड अगर आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो आप मेरे से पूछना चाहते हैं या मेरे से जानना चाहते हैं प्लीज फील फ्री टू ड्रॉप इन अ मैसेज ड्रॉप इन अ कॉमेंट प्लीज लाइक शेयर एंड कॉमेंट अबाउट हाउ डू यू वट ऑल डू यू नो अबाउट द वेडिंग सेगमेंट वेडिंग प्लानिंग वेडिंग मैनेजमेंट सिटी इंडिया के अंदर कहीं पे भी या वर्ल्ड के अंदर कहीं पे भी होना है प्लीज डू लेट मी नो तक इसको प्लीज इस पूरी सीरीज को देखिएगा लाइक कीजिए Uh, थोड़ा सा सपोर्ट दीजिए और दैट्स ऑल आई वांट सो दैट मैं और इंटरेस्टिंग कंटेंट आपके लिए लेके आ सकूं तब तक के लिए आई टेक योर लीव सी एंड एंजॉय योर हॉलीडेज टेक केयर